नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर मेकर में। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं बोट एंड स्टीम, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। मात्र कुछ पॉइंट को याद रखने के बाद आपको इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सबका सब डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं आप खुद करेंगे। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, पहला बोट और दूसरा होती है नदी की गति। तो नदी मान ली कि ये बह रही है तो इसमें दो कंडीशन होगा, रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा जब नाव की दिशा में धारा की दिशा होगी और जब नाव की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होगी। अगर मान लिए नाव इधर से इधर की ओर बह रही है और करंट भी इधर बह रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि दोनों एक ही दिशा में बहेगी, तो इसका मतलब नाव क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। अगर मान लिए नाव इधर से आ रही है और करंट इधर से आ रही है तो बोट को क्या करेगा, नाव को क्या करेगा, वो धारा जो है विरोध करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी एक बार जो है दिशा में बी प्लस सी हो जाएगी, यानी कि दिशा में बी प्लस सी। अगर करंट मान लीजिए इधर से इधर की ओर बढ़ रही है तो इस दिशा में क्या हो जाएगी, इस स्थिति में नाव का स्पीड हो जाएगा बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो मात्र इसी पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। मान लिया कि हमने लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में किसी नाव की चाल क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड स्पीड ऑफ स्टीम या करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की गति क्या होगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इसको जानते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी दो तरह से होगी, जब धारा की दिशा में होगी, जैसे कि हमने बताया कि धारा की दिशा में दोनों की गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो इसको बोलेंगे अनुप्रवाह। जब एक ही दिशा में नाव भी जाएगी और धारा भी जाएगी, इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह। तो इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो इसका पहला हो जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी ही होगी, तो क्योंकि डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, नाव और धारा एक ही दिशा में होगा, तो बोट का स्पीड प्लस में क्या हो जाएगा, करंट का स्पीड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ करंट या स्टीम दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो बोट का वेलोसिटी क्या है, तो हमने मान रखा है कि x किलोमीटर है, तो यह हो जाएगा x प्लस y, यानी कि x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की गति। अगर हम दूसरा लेंगे कि जब धारा और दिशा एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि अगर उधर से धारा आ रही है, इधर से हम नाव से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेगा, धारा मेरा विरोध करेगा, तो इसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम स्पीड। तो इसमें क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड में जब तक मेरा स्पीड धारा के स्पीड से ज़्यादा नहीं होगा, जैसे हम बोट से जा रहे हैं तो मेरा स्पीड जो होगा धारा की स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक हम धारा के विपरीत दिशा में हम बोट नहीं चला सकते हैं। अगर मेरी स्पीड धारा के स्पीड से, यानी कि नदी के स्पीड से कम रहेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, धारा की दिशा में ही बह जाएंगे, बोट नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमको चलने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्पीड वेलोसिटी ऑफ करंट के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जब हम विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो बी माइनस सी के स्पीड से चलेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हमेशा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, तभी बोट जो है करंट के विरोध में चल पाएगा। तो चलिए इसी तरह से एक और पॉइंट को जान लेते हैं, बहुत ही आसान होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, टोटल का टोटल क्वेश्चन आप इस आधार पर खुद से बनाएंगे, मैं नहीं आप खुद से बनाएंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट को जानते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट यह है, इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज एक्स किलोमीटर पर आवर, यदि आपकी धारा की दिशा में यह डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह,
अनुप्रवाह गति या फिर धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में नाव की गति, यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति x किलोमीटर पर आवर हो और धारा के विरोध यानी कि अपस्ट्रीम यह क्या हो जाएगा, प्रतिप्रवाह। यदि प्रतिप्रवाह यानी कि धारा के विरुद्ध नाव की गति क्या हो, y किलोमीटर पर आवर हो, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। और दूसरा लाइन क्या है आपका, धारा के विरोध में नाव की गति y किलोमीटर प्रति घंटा, नाव के विरोध में क्या हो जाएगा, बताए आपको इससे पहले कि जब भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नाव को गति होने के लिए नदी में चलने के लिए गति क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। किससे, धारा की गति से नाव की गति ज़्यादा होनी चाहिए तभी वह बोट पानी में चल पाएगा। इसका मतलब हुआ तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ करेंट, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी धारा के विरुद्ध में, धारा के प्रतिरोध में। ये दिया हुआ कितना है हमको, y किलोमीटर पर आवर है। यानी कि आपको इसका मतलब आपको पढ़ना है, धारा की दिशा में गति x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इस लाइन को समझ गए तो अब आपको इसमें पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट कितना होगा, यानी कि बोट की गति क्या होगी शांत जल में, या फिर धारा की गति क्या होगी, आपको इतना पूछेगा। यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा पॉइंट क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, बी माइनस सी का अर्थ ये हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको पूछेगा कि बोट की स्पीड क्या होगी शांत जल में और धारा की गति क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल करके दिखा देते हैं क्या हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ बी आप निकालिएगा तो अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बी कितना हो जाएगा टोटल दो, तो टू वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टू वी बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दोनों को हम जोड़ दिए। अब दो को दूसरे साइड भेजिएगा इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इस साइड देखिए दो गुना में है, दूसरे साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी कि दो आ जाएगा नीचे। तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में एक्स प्लस वाई बाई टू, यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति और धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति दोनों को जोड़ करके दो से भाग दे देंगे तो हमको बोट का गति मिल जाएगा। और हम यहाँ पर करंट का गति निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी ये कितना हो जाएगा, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये माइनस हुआ था ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू वी सी हो जाएगा, टू वी सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि एक्स में से वाई को हम घटाए हैं, समीकरण इसमें से समीकरण इसको घटाए हैं। अब यहाँ दो गुना में है इसलिए वी सी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाय टू हो जाएगा। तो यानी कि ये आपको आ गया बोट की गति और यह आ गया आपको करंट की गति। आप इसे एक बार फिर से समझ लीजिए, इफ़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर एक ही दिशा में नाव और धारा भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्पीड नाव का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, वी बी प्लस वी सी यानी बोट का स्पीड प्लस करेंट का स्पीड इक्वल टू कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगी b माइनस सी, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c हो जाएगा, ठीक ना। तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ c इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। अब x प्लस वाई यानी कि अगर इसको x मानिए इसको y मानिए तो ये वेलोसिटी आपको दिया हुआ रहेगा, या फिर इसको b मान लीजिए c मान लीजिए और ये हो जाएगा b माइनस सी। तो समीकरण एक हो जाएगा या समीकरण दो हो जाएगा, तो ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा टू वी वी इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट साइड जोड़े हैं तो राइट साइड भी जोड़िएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसलिए वी वी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू। और जब वी सी निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ सी निकालिएगा यानी कि धारा की गति निकालिएगा, तब क्या करना होगा,
क्योंकि ये माइनस में है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस यानी कि दो प्लस में हो जाएगा बी सी, और ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ बच जाएगा दो बी सी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इस साइड घटाए हैं तो इस साइड भी घटा दिए, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। टू ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए बी सी कितना हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ करंट यानी कि धारा की गति एक्स माइनस वाई बाय टू हो जाएगा। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है कि एक नाव की धारा की दिशा में गति कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति कितना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है आपको, तो अच्छे से तरीका से एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ। आपको पहला लाइन क्या है कि धारा की दिशा में नाव की गति, तो जब भी धारा मान लीजिए कि अगर इधर जा रही है और नाव भी इधर ही जाएगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ करंट और यह हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर बोट और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब नाव को क्या करेगा, करंट धक्का देगा, तो इसका तो नाव ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। इसका मतलब इधर स्पीड क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, यानी कि बोट का भी स्पीड और करंट का भी स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा कंडीशन में यदि करंट जो है विरोध करेगा, तो इसका मतलब उस स्थिति में स्पीड क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ करंट, क्योंकि नाव तो चलेगी लेकिन धारा क्या करेगा, विरोध करेगा, इसलिए बी माइनस सी हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी कितना दे दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको धारा के विरोध में तो बी माइनस सी, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, धारा की दिशा में बी प्लस सी होगी स्पीड, और धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा ये क्या करेगा, बोट के स्पीड को विरोध करेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू वाई माने थे हम, और वाई इक्वल टू कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको शांत जल में नाव का चाल, यानी कि शांत जल में नाव का चाल में क्या होगा, केवल नाव का गति होगा, करंट का कोई गति नहीं होगा, शांत स्थिर जल में नाव की चाल। तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है, तो आपको हम इससे पहले बताए, यदि आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी, तो आपको समीकरण एक मान लीजिए इसको और समीकरण दो मान लीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में है, और यह एक एक दो दो भी बी हो जाएगा, लेफ्ट साइड जोड़े हैं तो राइट साइड भी जोड़िएगा, तो 12 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए भी बी कितना हो जाएगा, तो यह 12 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और यह दो क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा तो भाग, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किसका वेग, शांत जल में नाव का चाल, वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, याद रखने के लिए जब भी आपको बोट का स्पीड मांगेगा तो जोड़ करके दो से भाग दे दीजिए, तो 12 6 18 18 बाय 2 9 हो जाएगा। और इसी में आपको पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ करंट कितना होगा, यानी कि वी सी कितना होगा, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 12 माइनस 6 और 2 से क्या करना है, लास्ट में भाग दे देना है, तो ये कितना हो जाएंगे, 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्यों किए, क्योंकि बोट का स्पीड ज़्यादा होता है करंट के स्पीड से, तभी बोट चल पाएगा धारा में, ठीक ना, तो ज़्यादा होता है इसलिए क्या करना है, जोड़ना है, और करंट का स्पीड कम होता है इसलिए क्या करना है, घटाना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमेशा ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ सी से, इसलिए बी में क्या करना है, जोड़ना है समीकरण एक और दो को, और करंट का स्पीड जब निकालिएगा तो इसमें क्या करना है, घटाना है समीकरण एक में से दो को, तो आपको घटा करके दो से भाग दीजिए, और इसमें क्या करना है, जोड़ करके दो से भाग दीजिए। कितना सिंपल था, जब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 2 सेकेंड लगेंगे इसको बनाने में, यानी कि जोड़ना है दो से भाग देना, 12 6 18 18/2 कितना हो जाएगा, 9, इसका मतलब 2 से 3 सेकेंड काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अधो प्रवाह में, मतलब अधो प्रवाह मीन्स हो जाएगा धारा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हम नाव लेकर भी जा रहे हैं, इसका मतलब धारा की गति और नाव की गति दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम अधो प्रवाह। अधो प्रवाह में एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। दूसरा लाइन आपका क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मीन्स हो जाएगा अगर हम धारा की दिशा के विपरीत नाव लेकर आते हैं, अगर धारा मान ली उधर से आ रही है और हम इधर से बोट से जा रहे हैं और यह करंट उधर से आ रही है, तो यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विरोध करेगा,
तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह में गति कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ सी निकालनी है, यानी कि पानी की चाल या फिर नदी की गति आपको निकालनी है। तो आपको हमने क्या बताया कि वेलोसिटी ऑफ बी हमेशा वेलोसिटी ऑफ सी से क्या होता है, बड़ा होता है, तभी जो है विपरीत दिशा में नाव क्या हो जाएगा, चल सकेगा, नहीं तो धारा के साथ ही बह जाएगा। इसलिए वेलोसिटी अब जब सी निकालेंगे तो क्योंकि यह तो बी से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो ये समीकरण एक हो जाएगा और यह समीकरण दो हो जाएगा। तो एक में से दो को घटा लेना है, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस ये दोनों ख़त्म हो जाएगा और यह बच जाएगा 2c, तो यानी कि 2 वेलोसिटी सी बच जाएगा। तो इसलिए 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 15 माइनस 9, अब बाय में क्या हो जाएगा, ये जो 2 बचा था उस 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो बाय में आ जाएगा 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 6/2, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसे रिवाइज कीजिए, जैसे ही आप रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही कम समय में बनने लगेगा कि जब भी करंट का चाल निकालेंगे तो घटा करके 2 से क्या करना है, भाग देना है, और जब भी बोट का स्पीड इसमें निकालेंगे तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो इसको इसको जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो 15 प्लस 9, अब बाय में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 24/2, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना सिंपल था, एक क्वेश्चन को और लेते हैं उदाहरण के रूप में और फिर से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु धारा की दिशा में नाव द्वारा 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो आपका फर्स्ट लाइन क्या है, धारा की दिशा में, आप यहाँ समझ लीजिए धारा की दिशा में गति, तो धारा की दिशा में बोट भी धारा की दिशा में ही बहेगा, तो इसका मतलब ज़्यादा स्पीड से बहेगा। धारा की दिशा में गति b+c हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो कहता है 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है समय, तो यह स्पीड है यानी कि चाल है, तो दूसरे साइड भी क्या होना चाहिए, चाल होना चाहिए, तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बाय समय। तो दूरी जाता है 20 किलोमीटर 2 घंटा में, तो यह भी चाल हो बन गया। तो 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा जो समय लेता है, तो 1 घंटा में कितना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, यानी b+c का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कह रहा है तथा विपरीत दिशा में 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर ही चल पाता है। इसका मतलब धारा तो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, बोट चल रहा है लेकिन धारा विरोध कर रहा है, इसलिए हम कम ही दूरी तय कर पाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्पीड है तो दूसरे साइड भी स्पीड चाहिए, तो 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगता है, तो यह चाल है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाय समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी 4 किलोमीटर जाता है कितना समय में, 2 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो मात्र 2 किलोमीटर, तो यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। अब आपको मांग रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा का चाल क्या माने हम, सी माने हैं, तो सी माने हैं, तो सी का स्पीड क्या होता है, धारा की चाल बोट की स्पीड से कम होता है। इसलिए जब सी निकालने लगेंगे तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, घटा लेना है, तो यह हो जाएगा कितना, 10 माइनस कितना हो जाएगा, 2, अब बट्टा में क्या करना है, 2 से भाग दे देनी है, ये हो जाएगा 8/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 में 2 से भाग देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसी में बोट का स्पीड निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट के स्पीड से धारा की स्पीड से बोट का स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, ज़्यादा जब भी कहेगा तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर जो घटाए थे इसको जोड़ देना है, तो 10 2 कितना हो जाएंगे, 12, उसके बाद 2 से भाग दे देनी है, तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से आज यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को बेझिझक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटी को बजाना ना भूलिए। केवल इतना ही आपको करना है ताकि आप हमसे ऑनलाइन हमेशा बन सके, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको भी एक नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, घंटी को बजा लेना।
ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि दिक्कत आया हो कहीं तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और फिर से हम उसका जवाब देंगे।